हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि गोदरेज की जो नुपुर हीना है वो कैसे वर्क करती है। और पहले बता दूँ कि जो कंपनी है वो क्या क्लेम कर रही है अपने इस प्रोडक्ट के साथ। ये मैंने पैकेट लिया है जो कि है गोदरेज नुपुर हीना, 100% प्योर हीना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सिर्फ प्योर हीना है। और जो ये बता रहा है पैकेट कि कैसे यूज़ करें, मैं बताती हूँ कि इसको 2-3 घंटे पहले भिगोना है पानी में। और यू कैन ऐड ऑयल कर्ड फॉर एक्स्ट्रा स्मूथनेस, लीव इट फॉर 3-4 आवर। अपने बालों पे 3-4 घंटे के लिए इसे रखना है और उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है, ना तो ठंडे पानी से ना गर्म पानी से, नॉर्मल वाटर से। और इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो लोसोनिया इंटीम्स लीफ पाउडर, मतलब जो मेहंदी है प्योर मेहंदी ही है इसमें जो इंग्रेडिएंट है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है। तो और इसका जो प्राइस है वो है 75 रुपीज़। और ये वन पीस मैंने ये भगोने में 2 गिलास पानी रखा है और उसमें मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ, 2-3 चम्मच डाल देती हूँ। पैकेट बड़ा है क्योंकि मेहंदी का। ये मैंने 3 चम्मच चाय पत्ती डाल ली और इसे मैं अच्छे से उबाल लूँगी। ये पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे 2 गिलास पानी डाला है तो ये 1-1.5 गिलास पानी रह जाएगा उबलने के बाद। मैंने इसे ना लोहे के बर्तन में डाला है। अब मैं इसे मिक्स करके रख दूंगी। इस टाइम 1 बज रहा है और मैं इसे सुबह लगाऊंगी, तो मैं इसे ओवरनाइट भिगो रही हूँ ताकि अच्छा कलर आए। और मैंने लोहे की कढ़ाई में इसलिए डाला है क्योंकि इसका कलर ज़्यादा आता है। और अगर किसी को सिर्फ कम कलर चाहिए, बाकी बेनिफिट चाहिए, तो वो नॉर्मल बर्तन में भी इसे भिगो के रख सकते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कल मैंने मेहंदी भिगोती थी, अब मैंने देखा मेहंदी अच्छे से भीग चुकी थी। मैंने सोचा था कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के 7-8 बजे तक लगा लूँगी, बट मुझे सुबह बहुत सारे काम थे तो मैं नहीं लगा पाई। अब मैं इसे लगा रही हूँ तो ये कुछ ज़्यादा अच्छे से भीग चुकी है, तो बट उससे कोई मेहंदी ख़राब नहीं होती है। और ये देखो, मैंने इस लोहे के कढ़ाई में भिगोई थी इसलिए साइड साइड में कुछ ज़्यादा ब्लैक ज़्यादा डार्क कलर आया है इसका। मेहंदी जब भी भिगोते हैं ना तो उसमें लोग काफ़ी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे आप अपने बालों की कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। ज़्यादा हेयर फॉल है तो आप उसमें आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। पाउडर मिलता है, बट अगर आप ले रहे हो वो पाउडर तो वो किसी अच्छे ब्रांड हिमालय या फिर खादी के भी आते हैं, तो वो ही लें। मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, मैंने सिर्फ हीना पाउडर ऐड किया है। और अब मैं इसे थोड़ा सा, वैसे तो ये देखो थोड़ी गाढ़ी है, इसे पतला करने के लिए पानी ऐड कर सकते हो, बट मैं इसमें ना हल्का थोड़ा सा ही दही ऐड करूँगी बालों को थोड़ा सा ज़्यादा कंडीशन करने के लिए, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से मतलब ड्राई फ्रिजी हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दही लिया है ये। तो मैं इसमें डालती हूँ दही, बस इतना सा ही, थोड़ा सा ही डाल रही हूँ मैं। ओके, और अगर आप एग खाते हो या फिर अगर खाते नहीं हो आप, मतलब बालों में लगा सकते हो, अगर आपके घर में आते हैं तो आप दही वो एग भी उसमें ऐड कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए। करवा चौथ आ रहा है तभी सीधा मेहंदी लगनी चाहिए, स्टेन नहीं चाहिए इससे पहले। मैंने ये पहन लिया, आपको ये मार्केट में कहीं से भी मिल जाती है ये वाली, वरना आप अमेजोन पे तो हर चीज़ मिलती है, आप अमेजोन से मंगा सकते हो। ब्रश, आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी ऐसी टी शर्ट पहनना जिसके ख़राब होने पे, मतलब आपको दुख ना लगे, तो कोई भी नए कपड़े मत पहन कर ट्राई करना। सेंटर से इसका ना जो ये है, आपका जो हेड होता है, आप यहाँ से सेंटर से लो। मुझे थोड़ा सा, मैं इसका एंगल चेंज कर लेती हूँ कैमरे का, क्योंकि मैंने ना इसका कैमरे का थोड़ा सा एंगल चेंज कर लिया है थोड़ा सा, ताकि आपको दिख जाए कि इसको लगाना कैसा है। क्योंकि अगर सही से नहीं लगेगा तो सारे कपड़ों पे गिरेगा और अच्छे से सारे बालों में नहीं लग पाएगा। तो सेंटर से एक पार्ट लिया, अब मैंने ली मेहंदी तो मैं इधर से लगाऊंगी और इसके बैक साइड से, दोनों तरफ से। मेरा मेहंदी लगाने का जो पर्पस है वो बालों को नरिश करना है, थोड़ा सा बालों की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है।
तो इसलिए मैं रूट्स को हल्का सा छोड़ रही हूँ। रूट्स में मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ ऑयल के अलावा, ऑयल और शैम्पू। अगर थोड़ा सा ना प्रॉपर नहीं लगता, कहीं कहीं रह भी जाते तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसके बाद दोबारा से एक लेयर जब लगेगी तो वो कवर कर लेगा। लंबे बाल में थोड़ा सा लगाने में दिक्कत होती है। अब मैं दिखाऊंगी आपको कि इसका रिजल्ट। ओके गाइस, तो मुझे ये लगाए 3 घंटे हो चुके हैं और मैंने ना शावर कैप पहन लिया था इसके ऊपर, क्योंकि मुझे ना थोड़ा आराम करना था, लेटना था, और वैसे तो मैं लेट नहीं पाती, तो इसलिए मैंने शावर कैप लगा लिया था ताकि मैं आराम से लेट सकी। तो अब मैं इसे वॉश करके आती हूँ। ओके, फाइनली मैंने ना हेयर वॉश कर लिया है। मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश किया है, ना मैंने शैम्पू लगाया है, ना कुछ कंडीशनर, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पानी से वॉश किया है। और जब भी आप इसे वॉश करने वाले पहुँचे ना, तो या तो पुराना हुआ धो लिया, या फिर कोई ऐसा कॉटन की टी शर्ट या कुछ जिस पर अगर दाग पड़ जाता है तो दुख ना हो। अभी तो बहुत ही प्यारी से खुशबू आ रही है। मैंने ना अभी गीले वाले कॉम किए हैं ताकि आपको दिखा सकूं कि कितने ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं बाल, और हेयर फॉल भी कम हुआ है इससे ना। एक वॉश में हेयर फॉल कम हो जाते हैं, बाल टूटे हैं और बहुत ही कम। मतलब जब हम शैम्पू करते हैं तो उस दिन तो बाल टूटते ही हैं। सीरियसली, मतलब 10 हेयर स्पा लूँगी मैं सलून में जाके, तब मुझे ऐसा रिजल्ट मिलेगा इतने दिनों के लिए। वरना हेयर स्पा जो सलून में लेते हैं, हमें सिर्फ एक वॉश तक रहता है और उसके बाद बाल नॉर्मल हो जाते हैं। बट हीना का कमाल है, और जब कलर अभी भी मालूम पड़ रहा है, आपको दिख रहा होगा शायद थोड़ा बहुत, वरना कलर दिखेगा जब बाल पूरे सूख जाएंगे। और इसे शाइन भी बहुत अच्छी आती है बालों में। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलेंगे।